रानू विहार गाजीपुर। हेलो एवरीवन, सो कैसे आप सभी। आज मैं आज का रेल म्यूजियम में जो पड़ता है दिल्ली में चाणक्यपुरी के पास, इसका नियस्ट मेट्रो कौन सा पड़ना, टिकट टाइमिंग क्या है पाने के लिए, नियस्ट मेट्रो बस स्टैंड कौन सा, नियस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है और यहाँ पे जो ट्रेन चलती है उसकी टाइमिंग वगैरह क्या, इसका चार्ज क्या, इसका प्राइस क्या है, सभी जानकारी देंगे इस वीडियो बाकी बने रही है। चलते चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से टिकट मिलेगी और ये एंट्रेंस है यहाँ पे आने के लिए। अब चलते अंदर की ओर टिकट लेते हैं, पहले टिकट कितनी पड़ती है बताते हैं आपको, देन शुरू करते हैं चलते अंदर की ओर। यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन मोतीबाग का है, ये यहाँ का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे टू व्हीलर्स के लिए 1 आवर के लिए 10 रुपए है और 4 व्हीलर्स के लिए 1 आवर के लिए 30 रुपए है, बाकी जो बस वगैरह है उनके लिए 50 रुपए। पीछे देखें बैक साइड में टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट और दिखाते हैं क्या प्राइस वगैरह है, बाकी चलते हैं देखने आपको चलते हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक की है और यहाँ पे टिकट प्राइस बात किया जाए तो बड़ों के लिए 50 रुपए है, बच्चों के लिए 10 रुपए है और वीकेंड पे बड़ों के लिए 50 रुपए 50 और 100 की हो जाती है, बच्चों वाली 10 वाली 20 की हो जाती है। यहाँ पे जॉय ट्रेन भी चलती है अंदर की ओर जिसके प्राइस मात्र 20 रुपए है, वो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी काउंटर से, अंदर को टिकट नहीं मिलेगी आपको। ये यहाँ का पूरा मानचित्र, जहाँ पे आप घूमना चाहते हैं नंबर दिए हुए हैं 1 2 3, यहाँ से आप पूरी जगह घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी जगह देखा हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। ये पहुंच गए रेल संग्रहालय में और ये जो आप देख रहे हैं भाई ये पूरा संग्रहालय है, यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे चीजें, यहाँ चलते हैं अंदर की ओर दिखाते हैं। और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ काफी खूबसूरत, आई लव रेल म्यूजियम शॉर्ट में लिखा हुआ है, काफी सुंदर लग रहा है देखने में तो व्यू, काफी सुंदर लग रहा है। आइए दिखाते हैं क्या खास है यहाँ पे। इस संग्रहालय में आपको तरह तरह के रेल के बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप इजिली यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं, यहाँ म्यूजियम पूरा बना हुआ है, आप इजिली पढ़ सकते हैं। ये पूरा जो म्यूजियम है 10 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, यहाँ पे बगीचा भी म्यूजियम के बाहर ही आउटसाइड में काफी सुंदर बगीचा है। दोस्तों आप देखे रेल इंजन कैसा होता है, ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है, हैंडल वगैरह कहाँ से होते हैं, चलो आपको मैं दिखाता हूँ आज। तो भाई पहुंच चुके हैं इंजन के अंदर, ये जो देख रहे हैं आप ये पूरा हैंडल वगैरह है, यहाँ से गाड़ी हम मोड़ सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी हमें करना होता है इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ का ब्रेक वगैरह होता है, जो गियर वेयर तो होते नहीं है, इसमें इतना नॉलेज नहीं है, बाकी जो है हैंडल वैंडल ही है, ये ब्रेक का है, कुछ ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, और ये मीन्स कोयले वाली गाड़ी वगैरह थे, कोयला भरते थे, काफी पुराना वाला इंजन है, इस टाइम का तो नहीं प्राचीन टाइम का इंजन है। ये देखिए ये यहाँ से मतलब जो चेंज करना होता है पटरिया, यहाँ से उस पर जाना होता है इजिली, यहाँ से करते हैं भाई, कुछ तो वर्क करना चेंज तो करना ही नहीं हम तो ऐसे ठीक है, बाकी मिलते हो दिखाते क्या खास है यहाँ पे। ये देखिए भाई काफी ट्रेन है यहाँ पे, जो ओल्ड फैशन की हुआ करती ट्रेन है, पुरानी प्राचीन टाइम वाली वो भी ट्रेन है और जो हाल फिलहाल चल रही है भी ट्रेन आपको दी जाएगी इजीली देखने के लिए। यहाँ पे डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं आप इजीली यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, जो लिखा हुआ है ट्रेन 2200 टन, जो मतलब इसका वेट हुआ करता था, भार कितना है, जो भी इसकी डिटेल वीडियो आप इजिली पढ़ सकते हैं डिटेल में आके। यहाँ पे काफी बढ़िया बना हुआ भाई है, ये देखिए खींच रहे। पूरा दूर दूर ऐसी आपको ट्रेन मिल जाएंगे, एक से एक ट्रेन देखने के लिए, जो कि ट्रेन जब हम देख नहीं पाते रियल लाइफ में, आपको ऐसी ट्रेन मिल जाएगी देखने के लिए, कोयले वाली इंजन वाली सभी ट्रेनें मिल जाएगी देखने के लिए इजिली, आप देख रहे हैं काफी सारी ट्रेन है यहाँ पे, बाकी पूरा व्यू दिखाते हैं आपको म्यूजियम का, देख रहे हैं दोनों साइड ऐसी है, बहुत काफी अच्छा लग रहा है आने के लिए।
लिटरली बच्चों का काफ़ी बढ़िया प्लेस होने वाला है, बच्चों लोग काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं बच्चे अगर आते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए जो टिकट प्राइस बिल्कुल फ्री है, जो वीकेंड पे टिकट जो डबल हो जाता है, मीन्स 50 वाली 100 की टिकट हो जाती है। ये देख रहे हैं काफ़ी सुंदर है भाई, और यहाँ पे आपको जगह जगह पढ़ने को मिल जाएगा, ट्रेन की हिस्ट्री पर पढ़ने को मिल जाएगा, जैसे कि दुर्घटना का शीघ्र हाथ में पूर्ण जो मतलब इसके बारे में जो भी उसकी किस यूज में आता है ट्रेन, इसके बारे में इजिली आप पढ़ सकते हैं ट्रेन में इजिली हिंदी लैंग्वेज जो मतलब ट्रेन को हादसा होता है उसके काम आता है ट्रेन, मीन्स बचाने के सेफ्टी पर्पज के लिए काम आता है ट्रेन, इतनी नॉलेज है फिलहाल तो। बाकी देखो ट्रेन काफ़ी सा ट्रेन मिल जाए आपको, देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर ट्रेन है, दूर दूर तक ये ऐसी ट्रेन है उनको एकदम बढ़िया। प्राचीन टाइम को जो कोयला वाला हुआ करता था वैसा लग रहा है कुछ, मतलब वही वाला ट्रेन है, काफी सुंदर लग रहा है। डिटेल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके, इस 2.6 से बना हुआ कौन सा आयरन लगा हुआ, कौन सा मटेरियल यूज किया गया बनाने में, उसकी डिटेल आप इजिली पढ़ सकते हैं आके। बहुत बढ़िया है भाई, लिटरली काफ़ी सुंदर लगा मुझे तो, सिर्फ काफ़ी सुंदर होने वाले बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया म्यूजियम है। आप ट्रेन की पूरी इतिहास को जान सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि रेलवे कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, पूरी जगह ले सकते हैं आप, पूरी कैसे चलती है वैसे रेलवे आप ले सकते हैं। अब आ चुके मुगल सराय वाले ट्रेन में, यहाँ ये जाएगी मुगल सराय, आप चाहो तो बैठ सकते हो, मुगल सराय जाना हो तो आपको इजीली। ये तो इंजन मुगल सराय वाला सॉरी ट्रेन नहीं है, काफी सुंदर लग रहा है। एक्स्ट्रा टायर होते हैं रेलवे के, मतलब जो टायर होते हैं मीन्स उनके पहिए होते हैं, वो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा पहिए पड़ी होती है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। गार्डनिंग काफ़ी अच्छी है, एक नंबर गार्डनिंग है, काफ़ी सुंदर बगीचा है। टिकट मात्र 20 रुपये है, आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ये जो रूट पर जो ट्रेन यहाँ से जा रही है वो जा चुकी है ट्रेन, तो बाकी आपको दिखाया दिया वीडियो में कैसे ट्रेन थी, वो कैसी बड़ी थी, साइज वगैरह क्या था उसका। दोस्तों फाइनल पहुँच के इंजन पे, और ये भाई पिछले पूरे इंजन है, अंदर चलते हैं कैसा भी इंजन का यहाँ पे कैसे वर्क चलाते हैं, लेफ्ट साइड कहाँ से लेना पड़ सकता है, और ये स्पीड वगैरह
दिमाग की यहाँ से ले लेते हैं। ये पूरा इंजन का पार्ट देख रहा है, जो पूरा देख रहे इंजन ही है पूरे से। ये जो सामने बैठा हुआ है ड्राइवर था इस इंजन का, फिलहाल एक्सपायर हो गई गाड़ी है, तो ये बेरोजगार हो गया। ट्रैक पे यहाँ पे जो पटरी है पार पानी जो होता है इसमें बहुत जाता है, मतलब फूल होते हैं पानी वाले, इसके ऊपर खड़ा हूँ मैं देखने का, काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ मैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए डिस्टिनेशन, जो टाटा बाय बाय।